भाई साहब गाइस ये देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके से एक्शन जो है इसका। गाइस ये देखें, एक बंदा भी देखें यहाँ पे रोड पे मरा पड़ा हुआ है। ओ ये गैंग तो हमारे पीछे आ रहे हैं, इसने तो फायर मारनी शुरू कर दी है। भाई मदद करो, ये क्या हो गया मेरे मम्मी पापा को, ये देखो दोनों मर गए हैं। ओ भाई साहब गाइस ये देख रहे हैं इस बच्चे के मम्मी पापा का खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। ओ भाई साहब, जैसे वे एक दो बंदों को बचाने के चक्कर में फुल स्पीड में जा रहे थे और इनका देखे किस तरह बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। वही तो बचाओ मेरे मम्मी पापा को, तो बिल्कुल कितनी बुरी हालत हो गई। ये देखे मेरी मम्मी की कितनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। ओ भाई साहब गाइस ये देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है इसका। फुल भाई खूनम खून हुई है, शीशा तोड़ती हुई निकली है और गाड़ी की आप हालत देखे गाइस कितनी खतरनाक हुई है। अब मैं अकेला क्या करूंगा, अब मेरा क्या होगा। गाइस ये देखे एक बंदा भी देखे यहाँ पे रोड पे मरा पड़ा हुआ है। ओ भाई साहब, एक बंदा गया है और इसके बच्चे के मम्मी पापा दोनों गए हैं। अभी बच्चा परेशान, अब इसका क्या होगा, इसको कौन बचाएगा। कोई तो मदद के लिए आओ, सब देख रहे हो लेकिन कोई भी नहीं आ रहा, सब अपने कामों में लगे हुए हैं। आज कोई आ जाए इस वहाँ तो बड़ा मजा आएगा। आज तो फ्रैंकलिन भैया भी नहीं है, आज तो मैं अकेले सारे बर्गर खा लूंगा। ओ भाई साहब, फ्रैंकलिन भैया ने मुझे कल अच्छे खासे पैसे दिए थे और बोला था हम दोनों मिलके खाएंगे, लेकिन इन पैसों का तो मैं अकेले बर्गर खाऊंगा। गाइस ये देख रहे हैं आप, ओ भाई साहब सिंचा निकला हुआ, फुल मस्ती में निकला हुआ बर्गर खाने है। ये कितने का है, ये तो सिर्फ $2.5 का है। फ्रैंकलिन भैया अब तो मैं आराम से खाऊंगा। ओ भाई इस आइसक्रीम कितने की है, ये भी $2 की है, जंबो शेक है बल्कि। तो इतना बड़ा बर्गर कर है, मैं अकेले कैसे खा पाऊंगा। लेकिन कोई मसला नहीं है, फ्रैंकलिन भैया नहीं है, ये तो और अच्छा है, मैं अकेले सब खाऊंगा। जाके देखता हूँ अंदर का रास्ता कहाँ से है। एक मिनट गाइस, लग रहा है कि ये तो बंद हुआ हुआ है रेस्टोरेंट। फ्रैंकलिन भैया ने तो बोला था इस टाइम पे सब खुल जाते हैं, उन्होंने या तो मुझे गलत बताया है। ओ भाई साहब, ये रोने की आवाज किसकी आ रही है। एक मिनट में जाके तो देखूं। ओ भाई साहब, ये तो बच्चा, छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ और ये देखे दो डेड बॉडीज पड़ी हुई है। मुझे फौरन से फ्रैंकलिन भैया को कॉल करके बुलानी चाहिए। फ्रैंकलिन भैया जल्दी आ जाए यहाँ पे, जहाँ अपने बर्गर वाली शॉप है उसके सामने बच्चा खड़ा हुआ है और उसके दो लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ हुआ है, जल्दी से आ जाए। बच्चे क्या हुआ भैया? ये दोनों मेरे मम्मी पापा है, हम लोग कार पे जा रहे थे, सामने अचानक से दो लोग आ गए, उनको बचाने के चक्कर में हम लोग का एक्सीडेंट हो गया। मैं तो बच गया लेकिन मैं तो पीछे बैठा हुआ था, मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर गए और साथ में बंदा भी सामने मर गया है। इसके साथ एक और बंदा था, वो तो उसको एम्बुलेंस ले गए लेकिन मेरे मम्मी पापा मौके पे ही डेड हो गए थे। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, रोने की जरूरत नहीं है यार, इससे तो बहुत खतरनाक हुआ हुआ, दो लोग पड़े हुए भाई, डेड बॉडी इनकी पड़ी हुई है। फिक्र नहीं करो बच्चे, मैंने अपने बड़े भाई को बुलाया है, वो आते ही होगा, फिर हम दोनों मिलके चलते हैं, हम लोग सारे चल के। सही है, आपका नाम क्या है? बेटा तुम मुझे सिंचन भैया कह सकते हो, कोई फिक्र की बात नहीं, कोई भी काम हो मुझे बताना, बल्कि अब तो काम की बात ही नहीं, अब तो तुम हमारे साथ ही चलो। इसे तुम अकेले, इतने छोटे बच्चे अकेले, लॉस एंजेलिस का हालात वैसे खराब है, यहाँ पे तुम्हें कोई ना कोई वैसे ही लूट लेगा। सिंचन भैया आप तो बहुत अच्छे हैं, रुकर है यहाँ पे देखते सारे लोग खड़े हैं लेकिन किसी काम के नहीं, कोई भी मदद भी नहीं है, अगर ये लोग मदद पाते तो हो सकता था मेरी मम्मी पापा बच जाते। बेटा यहाँ पे कोई लॉस एंजेलिस में मदद नहीं करता है, तुम फिक्र नहीं करो। मेरे फ्रैंकलिन भैया आ रहे हैं, फिर हम लोग जाएंगे और आराम से तुम अपने घर पे रखूंगा मैं। सही है सिंचन भैया। सिंचन भैया ये अजीब सा आदमी बहुत करीब आ रहा है हमारे, ये कब से बुरा था और बहुत करीब आ गया है। कौन सा अजीब सा आदमी, एक मिनट, अबे तेरे तो फ्रैंकलिन भैया है हमारे। अच्छा मैं समझे, पता नहीं कौन है, कोई चोर लग रहा था मुझे शक्ल से। अबे सिंचन ही बदतमीज बच्चा कौन है? अरे फ्रैंकलिन भैया कोई मसला नहीं है, बच्चे के मम्मी पापा पड़े हुए, इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आप कैसे हैं? अबे यार सिंचन फिर से लॉस सैंटोस में घर के बाहर से किसी ने गाड़ी चुरा ली है। फ्रैंकलिन भैया ये तो रोज का है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम लोग दूसरी गाड़ी उठा लेते हैं। सिंचन भैया क्या मतलब, आप लोग चोरियां करते हो क्या? हम चोरियां नहीं करते हैं, हम तो लोगों की मदद करते हैं, तुम गलत फहमी हुई है तुम्हें। फ्रैंकलिन भैया अब जाएंगे कैसे हम लोग? सिंचन फिकर नहीं करी यार, मैं कोई गाड़ी मंगवाता हूँ, इस बच्चे को कहीं ना कहीं रखो। ये फ्रैंकलिन भैया ये लेमार गाड़ी छोड़ के चला गया है, आ जाओ उसी पे चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया लेमार की तो गाड़ी बहुत ही प्यारी है। अबे हाँ यार सिंचन गाड़ी तो बहुत टायर्ड है यार। अबे क्या कर रहा है सिंचन, मुझे चलाने दे। नहीं फ्रैंकलिन भैया मैं चला लेता हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया तो टूल हो रहे हैं। अबे यार सिंचन इस बच्चे को कहाँ बिठाएं? अरे भैया फिकर ना करें, इसका कुछ ना कुछ करते हैं। सिंचन बच्चा तो आ गया है, चल आ जा लो वापस से चलते हैं। सही फ्रैंकलिन भैया रास्ते में कुछ खिला तो दे। अबे सिंचन पैसे तो ये दिए, मैं क्या खिला दूं, बहुत कंजूस है। सिंचन एक काम कर, यहाँ से राइट साइड से ले, यहाँ पे जो है शॉर्टकट है। फ्रैंकलिन भैया सही है, अबे फ्रैंकलिन भैया कहाँ ले आए आप? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब फ्रैंकलिन भैया अभी तो गैंग खड़ा हुआ है। ओ भाई जल्दी भगा सिंचन, ये गैंग तो हमारे पीछे आ रहे, इसने तो फायर मारनी शुरू कर दी है। अबे यार फ्रैंकलिन भैया इसके कितने, इन्होंने तो टायर फोड़ दिए हैं। अबे यार सिंचन क्या कर रहा है लड़के, गन निकाल फौरन से। फ्रैंकलिन भैया आपने तो बहुत अकलमंदी की, आपने उस वक्त जो है अपनी बड़ी गन निकाल के उन सबको मार दिया, वरना वो सारे तो मेरे ऊपर चढ़ गए थे। अबे हाँ यार सिंचन तुझे भी हीरो बनने को किसने बोला था यार उस गली से? फ्रैंकलिन भैया आप ही ने तो बोला था कि उस गली में मुड़ो, मुझे थोड़ी पता था वहाँ पे वो सारे गुंडे बैठे हैं। वो तो शुगर है, गोलू गाड़ी में ही रहा, गोलू बाहर आता तो उसको नुकसान पहुंच सकता था। अबे हाँ
बच्चा इनका है तो तू सही रहा यार, बचा तो कोई गोलू, ये बच्चे बच्चे को अगर हल्की सी भी चीज लग जाती तो ये तो बच्चे का केक कट गया था। फ्रैंकल भैया आप सही कह रहे हैं, फ्रैंकल भैया कहाँ जाए हम लोग, अब सिंचन घर के पास ले ले यार, और कहाँ जाए, पहले इस बच्चे को कुछ खिलाएं पिलाएं, कब से भूखा हमारे साथ फिर रहा है, बीच में देख कैसा डायरेक्ट सीन भी हो गया। हाँ फ्रैंकल भैया कह तो आप सही रहे हैं गाइस, तो फाइनली अब ये बच्चा जो है फ्रैंकलिन और सिंचन के पास ही रहेगा मुझे तो लग रहा है, भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से बचत हुई है। फ्रैंकल भैया आज कोई एवेंजर्स की तरफ से मिशन आया है? नहीं यार सिंचन आज तो कोई भी मिशन नहीं आया, आज शुगर कर हर वक्त मिशन मिशन कर करके दिमाग ही अजीब सा हो गया, आज शुगर हम लोग बाहर निकले हैं। अबे यार फ्रैंकल भैया आज से गोलू भी हमारी टीम में होगा, अबे यार सिंचन गोलू टीम में तो होगा लेकिन बहुत छोटा है, अभी इसको बड़ा होने के लिए टाइम लगेगा भाई। सिंचन भैया ही फ्रैंकल भैया कहाँ है? बेटा ये तो बाहर गए हुए हैं, इनको जरा काम था, ये एवेंजर्स के पास गए हुए हैं। सचिन भैया ये एवेंजर्स क्या चीज है? बेटा ये सुपर हीरोज की पूरी टीम है जिसमें हम लोग सारे, हम लोग भी शामिल है, हम लोग लॉस सैंटोस की हिफाजत के लिए हैं, जब भी कोई बुरा बंदा आता है लॉस सैंटोस में तो हम ही बचाते हैं। अच्छा सचिन भैया आप खुद भी इतने छोटे हो लेकिन आप लॉस सैंटोस के सुपर हीरो हो? हाँ बेटा मेरे पास कोई इतनी ज्यादा सुपर पावर्स तो नहीं है लेकिन मैं एवेंजर्स का हिस्सा हूँ। सचिन भैया मुझे भी बनना है एवेंजर्स का हिस्सा। हाँ बिल्कुल तुम्हें बनाएंगे लेकिन तुम थोड़े बड़े हो जाओ, थोड़ी ट्रेनिंग ले लो। मैंने शुरू में लॉस सैंटोस के गुंडा गैंग्स मारे हैं, उसके बाद जाके हल्के हल्के फिर मैं घूस कम्युनिटी के बंदों से लड़ा हूँ, बहुत बार मुझे पकड़ा भी है उन्होंने लेकिन मुझे फ्रैंकलिन भैया ने जान बचा के मुझे छुड़वा भी लिया। गाइस तो फाइनली आज की वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट में सिंचन जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।